नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं रूफटॉप गार्डन। दोस्तों अभी तो होने वाला है और टेम्परेचर अभी ऑलमोस्ट 38 से 40 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो इस तेज़ गर्मी में जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे छत के ऊपर अभी ट्यूबरोस मतलब रजनीगंधे का देखिए एक स्टिक निकला हुआ है जो अभी फ्लावरिंग भी शुरू कर चुका है। इसका हाइट, ये जो स्टिक निकला है इसका हाइट ऑलमोस्ट 4.5 फीट के आसपास हो चुका है। और अभी देखिए मेरे पास और भी कई सारे स्टिक निकल रहे हैं इस प्लांट से। यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखिए और एक स्टिक निकलना शुरू हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और एक स्टिक निकल रहा है यहाँ से, मतलब 4 स्टिक निकल रहा है एक साथ पहली बार। ये मेरे 2 साल का पुराना प्लांट है और ये फर्स्ट टाइम 4 स्टिक एक साथ निकल रहा है। प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है और ये मेरे एक 10 इंच के पॉट के अंदर लगा हुआ है। दोस्तों ट्यूबरोज प्लांट के जो फ्लावरिंग सीज़न है वो अप्रैल से ही शुरू हो जाते हैं और बरसात के मौसम में बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है और अप टू सितंबर तक मतलब बरसात के एंड तक ये फ्लावरिंग करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे प्लांट अभी फ्लावरिंग शुरू कर चुका है और ये देखिए बेहद खूबसूरत लगते हैं इसके फ्लावर जब एक साथ खिलते हैं। दोस्तों ट्यूबरोज के 2 वैरायटी होते हैं, एक तो सिंगल पेटल एक डबल पेटल। सिंगल पेटल वाला जो देसी वैरायटी होता है इसका, इसमें बहुत सुंदर से सुगंध निकलते हैं और डबल पेटल वाला जो होता है उसमें सुगंध थोड़ा कम होते हैं। दोस्तों ट्यूबरोज प्लांट को आप 10 इंच के पॉट पे ग्रो कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको टाइम टू टाइम इसको रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कुछ दिनों के अंदर इसमें बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। रूट से ही बहुत सारे प्लांट्स बनने लगते हैं, एक प्लांट से कई प्लांट बन जाते हैं बहुत कम समय में। तो आपको रिपोर्ट हर साल इसको करना चाहिए। जैसे कि देखिए मैं इसको पिछले साल रिपोर्ट किया हूँ, फिर भी मेरे पॉट के अंदर देखिए बहुत सारे प्लांट्स बन चुका है। दोस्तों बहुत सारे प्लांट्स होने के वजह से इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करना बहुत ही प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमेशा इसको मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल करता हूँ। मैं इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करता हूँ, मास्टर के लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसके ऊपर एक वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है कि कैसे इसको तैयार किया जाता है। इसके अलावा आप DAP और पोटास का मिक्स दे सकते हो, डायमोनियम फॉस्फेट और पोटाशियम, जिसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आपके प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छा खाद है, इनऑर्गेनिक खाद है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप 10-26-26 मतलब 10-26-26 वाले NPK खाद भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें भी ज़्यादा मात्रा में पोटाशियम और फॉस्फोरस रहते हैं जिसमें आपके प्लांट पे फ्लावरिंग अगर नहीं हो रहा है तो शुरू हो जाएगा। दोस्तों ट्यूबरोज ट्रॉपिकल इलाकों में फ्लावरिंग करने वाला एक प्लांट है, तो आपके शहर पे अगर 40 डिग्री के आसपास भी टेम्परेचर चल रहा है तो भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। उसके ऊपर की टेम्परेचर पे ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे और ज़्यादा कम टेम्परेचर पे भी ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं। 25 डिग्री के नीचे टेम्परेचर पे भी ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं। दोस्तों क्योंकि ये सन लविंग प्लांट है तो इसको फुल सनलाइट पे रखा कीजिए पूरे समर सीज़न के दौरान, और इसको वाटरिंग जब आप कर रहे हो तो अच्छी तरीके से वाटरिंग किया कीजिए, लेकिन आप हर अल्टरनेट डेज पे भी इसको वाटरिंग कर सकते हो। दोस्तों समर में बल्ब से ग्रो होने वाले इस प्लांट को पेस्ट का अटैक इसके ऊपर नहीं होता है, तो इसलिए आपको पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप बात करते हैं पॉटिंग मिक्स के बारे में, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है और एक साथ बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं कुछ समय के अंदर, तो इसलिए इसको एक रिच सॉइल की ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए आप इसमें 40% गार्डन सॉइल के साथ 20% सैंड और 40% आप इस पर कॉम्पोस्ट मिक्स करके प्लांट को ग्रो कीजिए, बल्ब को ग्रो कर सकते हो। कॉम्पोस्ट पे आप भर्मी कॉम्पोस्ट या फिर काउडंग का ही इस्तेमाल किया कीजिए क्योंकि इसमें नाइट्रोजन्स ज़्यादा रहते हैं तो प्लांट्स का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा जैसे कि मैं पहले ही बताया, मंथली फर्टिलाइज़र के रूप में मैं इसमें मास्टर के लिक्विड फर्टिलाइज़र डालता हूँ, भी दे सकते हैं। दोस्तों एक बार अगर पूरी फ्लावरिंग हो जाए एक स्टिक पे तो उसका स्टिक एकदम नीचे से काट कर दीजिए, तो आपके प्लांट्स पे दूसरा स्टिक निकलना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। अगर आप इसको काट नहीं करोगे तो आपके प्लांट पे नए से स्टिक बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए ये एक बार फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद स्टिक को आप नीचे से काट कर दिया कीजिए। तो दोस्तों ये तो था रजनीगंधा मतलब ट्यूबरोज प्लांट के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपके प्लांट पे फ्लावरिंग सही से नहीं हो रहा है तो मेरे बताए हुए टिप्स को आप फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे जो पॉट के अंदर प्लांट्स है वो बहुत ही घना बन चुका है, फिर भी मेरे प्लांट पे देखिए फ्लावरिंग हो रहा है।
तो मेरे बताए हुए प्रोसेस से आप अपने गार्डन पे ये लगाया कीजिए रजनीगंधे के प्लांट, तो आपके प्लांट पे भी फ्लावरिंग होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, जिसका आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। तो दोस्तों चलते हैं, बाय।